नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया और कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और आज भाजपा के रूप में फली फूली, पार्टी के इस स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व होता है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों, देश भर से हमारे साथ जुड़े हमारे सभी सहयोगी, सबसे पहले तो मैं देश के कोने कोने में मातृभूमि की सेवा में लगे हुए, जन जन के कल्याण में खप रहे भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद अब मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टाल दी गई है। यूपी विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे सत्र में काफी कुछ बदला नजर आ रहा है। इस बार न सिर्फ विधायकों की सीट निर्धारित होगी बल्कि सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट भी इंस्टॉल रहेगा। वहीं आज से विधानसभा पेपरलेस हो गई, जिसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस दौरान सीएम योगी ने लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद दिया और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है। सत्ताईस महीने बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। वहीं आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य भी सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आजम खान दोष मुक्त हो गए। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी और आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे दाखिल किए गए हैं वो पीड़ितों और गरीबों की ओर से दाखिल किए गए हैं, जिन पर सत्ता के रसूख के दम पर आजम खान ने अत्याचार किया था। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोष मुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनके माफ़ी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई तो आजम खान की रिहाई पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। 27 महीने के बाद आजम खान की रिहाई हुई है और जब उनकी रिहाई हुई तो सपा में काफी खुशी देखने को मिली है और सपाई काफी खुश नजर आए उनको।
उनका स्वागत करने उनके बेटे साथ ही प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी पहुंचे। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो आजम खान ने कर्म किए हैं उनको उसका फल जरूर मिलेगा। आजमगढ़ के रहने वाले पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव द्वारा अपराध से अर्जित करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरावा गांव निवासी और पूर्व सांसद उमाकांत यादव की करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। और कुर्क की गई संपत्ति अपराध की दुनिया से की गई कमाई से अर्जित बताई जा रही है, जबकि संपत्ति की कुर्की के बाद प्रशासन ने बोर्ड भी लगा दिया है। थाना सरावीर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 29/21 धारा 31 गैंगस्टर एक्ट के हिस्ट्री शीटर अभियुक्त उमाकांत यादव पुत्र श्रीपत यादव निवासी चक गंजली शाह थाना दीदारगंज के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट में आपराधिक कृत्यों से अर्जित 14 भूखंड के जब्तीकरण का अनुरोध किया गया था। उक्त भूखंड की कीमत 1,01,81,500 आंकी गई थी। खबर रायबरेली से है, जहां निय तहसील क्षेत्र स्थित बसैया में एक ऐसा भ्रष्ट कोठेदार है जिसके भ्रष्टाचार की जांच कर उसके राशन की दुकान को निलंबित करने के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा निरस्त भले ही कर दिया गया, लेकिन डीएम के आदेश पर मामले की एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की टीम सहित जांच के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में ही कोठेदार की भ्रष्ट कार्यशैली की पोल खुल रही है। ग्रामीणों को बयान देने पर इस कदर महंगा पड़ रहा है कि निरस्त कोठेदार अपनी दबंगई दिखाते हुए पक्ष में बयान देने का दबाव बनाकर ग्रामीणों की जमकर पिटाई की है। मामला कोठे की जांच पहले जांच हुई थी, उन्होंने नहीं माना, पुनः दोबारा जांच का कोटा पहले निरस्त हो चुका था। कोटा अंत चल रहा था, जांच से संतुष्ट नहीं था। उसके बावजूद आज जांच कराया गया तो एसडीएम मौके पर मौजूद था, हम लोग गवाही दे रहे थे। इसके कहने का मतलब था कि हमारे पक्ष में गवाही हो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, हम लोग को मारना पीटना चालू कर दिया। हमारे जहां कार्यवाही करके कोठेदार की दुकान को तो सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोठेदार की दबंगई देखने को मिली है, जहां उसके खिलाफ बोलने वालों को जमकर पीटा गया है। और देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह से दबंगई करते हुए नजर आ रहा है कोठेदार, भ्रष्टाचार की जांच करने पर किस तरह से गुस्सा नजर आ रहा है कोठेदार। कोठेदार के द्वारा की गई मारपीट आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोठेदार की दबंगई देखने को मिल रही है। रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार की जांच में बयान देने पर ग्रामीणों को पीटता हुआ नजर आ रहा है कोठेदार। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां कोठेदार की दबंगई साफ तस्वीरों में देखी जा सकती है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़ चुके रायबरेली से। अजय, कोठेदार की दबंगई तो हम तस्वीरों में देख ले रहे हैं, लेकिन इनके काले कारनामे भी जानना चाहेंगे। इनके काले कारनामे ये पिछली बार 2 साल पहले से जिनके पास कोटा था, इसी दबंगई के चलते ही ये जो है निरस्त कराया गया था। और काफी विवादित थे, घटतौली भी करते थे, कई तरीके के इनके आरोप लगे थे, जिसको चलते जांच में ये पाए गए थे दोषी, उसी के आधार पर इनका कोटा निरस्त कर दिया गया था। उसी 2 वर्ष के बाद आज जो है कल जो है पहुंची थी वहां पर टीम जो पहुंची थी जांच के लिए, उसी जो गवाह बने हुए थे उसमें उन्हीं को बुलाया गया वहां पर, तो उन्हीं गवाह ना देने के लिए कि गवाही आप ना लीजिए, उसको लेकर उनको मारा पीटा गया है। जी, दबंगई करते हुए देखा गया है और साथ ही साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार भी कर रहा था ये कोठेदार, तो किन किन मामलों में अब इनके ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मामले दर्ज होंगे? अजय, इसका मुकदमा संबंधित थाना में लिखा हुआ है, अब हालांकि उसी में उसके बाद जो है जांच वीडियो के तौर पर की जा रही है, और जो भी इस मामले में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सलोन थाना पुलिस ने कहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे ग्रामीण मारे गए हैं उनका आरोप है कि, और मौके पर जब पुलिस पहुंची है तभी मामला जो है आगे जांच हो पाया, लेकिन जांच पूरी तरह से कर नहीं पाई है, अधिकारी कर नहीं पाए, वापस आ गए हैं, क्योंकि ये जो बवाल हो गया था दोनों लोगों को समझा बुझा के किस तरीके से दोनों लोग हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन करने में असफल रहे हैं, वो लोग जांच नहीं कर पाए, अब आगे जब डेट होगी तब जाएंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़े थे इस खबर पे। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी के साथ ही कोविड 19 से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,24,323 हो गई है। देश भर में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 15,044 हो चुकी है। बिजनौर पहुंचे एडीजी बरेली जोन राजकुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई। इस दौरान एडीजी द्वारा पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के टर्न आउट ड्रिल का निरीक्षण किया गया। साथ ही जवानों को चुस्त दुरुस्त, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड को दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोली वार ड्रिल भी करवाया। साथ ही एडीजी की तरफ से रिजर्व पुलिस लाइन में सहित कई इकाइयों का निरीक्षण कर अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर श्रावस्ती से है, जहां एसपी ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई गई। इसी के साथ ही एसपी ने पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय, शस्त्रागार और का निरीक्षण किया। बता दें कि आरक्षी बैरक और पुलिस लाइन आवास के साफ सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के नबीगंज में ओवरब्रिज के ऊपर कानपुर से दिल्ली जा रही आजाद नगर डिपो की बस और ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस सवार कई यात्री घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर ही चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां से गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।